ये जो मुठभेड़ सामने आई है, इसमें दिल्ली पुलिस की टीम ने हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की कल शाम को, और फिर एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देर रात हमें मिली, यानी कि आज सुबह सुबह की मॉर्निंग जो थी, कि एक शाकिर नाम से यहाँ का रेसिडेंट है नूह एरिया का, और वो दिल्ली पुलिस का वांटेड एक क्रिमिनल है। उसने पहले एक हत्या की हुई है 2012 में, और भी अन्य उस पर मुकदमे हैं। हत्या जो की गई थी वो दिल्ली पुलिस के एक मुलाजिम ही थे, उनकी की हुई थी। तो इस तरह से एक वांटेड अपराधी होते हुए हमने भी इसको सीरियसली लिया, और जो दिल्ली पुलिस की टीम आई थी उनके साथ मिलके पूरी जानकारी शेयर करके एक प्लान बनाया। जो एग्जैक्ट इनपुट मिली थी उसके हिसाब से हमारी जो दो टीमें लगी थी, दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, सबने मिलके इस अपराधी को पकड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन क्योंकि अपराधी ये काफ़ी शातिर रहा है, तो इसने पुलिस के ऊपर जो है जानलेवा हमला कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इस पर फायरिंग की, और इसको चोटें आई हैं और इसको काबू कर लिया गया है। फिलहाल ये जो है इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है नूह में नल्हड़ हॉस्पिटल के अंदर।